नमस्ते साथियों, स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल गो माता और आयुर्वेद में। तो आज हम बात करने वाले हैं सप्तधान्य के विषय में। ये आप देख सकते हैं, ये उड़द है, एक गेहूँ, चावल, चना, तिल, मूंग और जौ। और ये इसका एक इस तरह से पाउडर बन के ये तैयार है। जिस भी भाई बहनों को इस पाउडर का उपयोग करना हो, हमसे संपर्क करें और ख़रीद भी सकते हैं या तो खुद भी बना सकते हैं। बनाने के लिए कुछ नहीं, इनका समान मात्रा में आपको लेना है और इसको कोई रोस्ट वगैरह नहीं करना, इससे इसी अवस्था में इसको पाउडर करना है। हाँ, इसका उपयोग करने का जो विधि है, इसको कटोरी में हल्की सी दूध या मलाई के साथ रबड़ी जैसा बना लें और पूरे शरीर में अच्छी तरह से मलकर नहाएं। इससे आपका शरीर भी तंदुरुस्त, ताजगी महसूस होगी और विभिन्न तरह की जो रासायनिक युक्त, चर्बी युक्त साबुन का बहिष्कार करें जितना से जितना हो सके और अपना स्वास्थ्य को ठीक रखें और मां प्रकृति का भी ध्यान रखते हुए इस तरह के ऐसे चीज़ों का भी उपयोग करें। जिस भी भाई बहनों को चाहिए हमसे मंगा सकते हैं। धन्यवाद। जय धन्वंतरी, जय आयुर्वेद, जय गौ माता।